नाजरीन अवामी न्यूज में खबरें जो सिलसिलो जारी है इन वक्त असि तांखे खिपरो में खबर दींदा हलूं त खिपरो में ऑल यंग जनरेशन के सदते इसराइल दहशतगर्दी खिलाफ ऑल यंग जनरेशन के नौजवानन ए बेन जी अगवाणी में रमजान चौक का वठी खिपरो के शहीद चौक ताईं फलस्तीन के हक में केतरन ही नौजवान पारा हथन में प्ले कार्ड बैनर खणी एहतजाजी मुजाहरो कयो वियो। मज़लूम फलस्तीन के हक में एहतजाजी रैली कढी वई जडे त रैली के खिताब कंदे ऑल यंग जनरेशन के अगवाण ए बेन खिताब कंदे चयो आहे त इसराइल आलमी दहशतगर्द थी उभरियो है। इस्लामी मुल्क इन दहशतगर्द के रोकिए मुसलमान खिलाफ हमला बंद करे इन्हें चयो है त ऑल यंग जनरेशन इसराइल जी आलमी दहशतगर्द खिलाफ एहतजाज कंदी रहंदी। इन्हें चयो है त पाकिस्तान हुकूमत अक़वामी मुतहदा मथा दबाव विझे त फलस्तीनी ए वसंदन ए बेन रिहाइशगाहन मथा बमबारी करण खां बाज अची वञे। इन्हें वधीक चयो त मुस्लिम उम्मा के अगते वधण घुर्जे जी असां पंहिंजे मज़लूम फलस्तीनी भाइरन जी हक़ीक़ी तर्जमानी करे हिक थी यहूदी इसराइल खे शिकस्त ॾेई मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी भाइरन सां गॾु निमाज़ अदा करे यहूदियुनि खे ॿधी जी ताक़त जो अहसासु ॾियारियो। रैली का इंतकाम हुआ, नौजवानों ने बहुत जज़्बे के साथ रैली में शिरकत की और हम इसराइल को ये पैगाम देना चाहते हैं, अब तू तैयार हो जा, तेरे लिए हमारे खिपरों वाले ही बहुत हैं, अब तेरी मौत आ गई है और इंशाल्लाह आप जज्बा देख रहे हो बच्चों। रैलियाँ इसलिए नहीं निकाली जाती कि इसराइल को डरा जाए, बल्कि रैलियाँ इसलिए निकाली जाती हैं ताकि मुसलमान मुतहरिक रहें और मुसलमान का ईमान जो है ताज़ा रहे और हमारी आने वाली नस्लों को ये पैगाम मिलता रहे कि चाहे दुनिया के किसी कोने में भी मुसलमान को तकलीफ़ हुई, हमारे किसी भी मुकद्दस मकामात पर कोई आँच आई, तो हम इसके खिलाफ अपना दिफा करना जानते हैं। निकाली है सिर्फ और सिर्फ इसराइल के दिखाने के लिए कि हम अगर इकट्ठे हो जाएं तो तेरा दान नाश कर देंगे, तो कुछ भी नहीं हमारे सामने, अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो तेरे दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे, देख लेना है दुनिया वालों जल्द होगा फलस्तीन आज़ाद, उस पर जुर्म ढाने वाला इंशाल्लाह जल्द होगा बर्बाद। बलबला जोश है हमारे, जितने हो सके हमने नौ यंग जनरेशन तैयार किए हैं, जितने आ सके उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है, शुक्रिया। और हमारा एक ही मौक़ है, इसराइल की जो बर्बरियत है उसको बंद किया जाए, फलस्तीन को आज़ाद किया जाए और पाक फौज जो भी अपना किरदार अदा कर रही है और भी करे, हमें मौका दे, हम फलस्तीन में जिहाद करने का जज्बा नौजवान जितने भी रखते हैं। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awaminewsht.com।